The next plane is plane second type plane perpendicular to HP and parallel to VP. So next we have a plane which is a perpendicular to HP and parallel to VP. The plane will be like this. This is we have taken a scale plane. This is horizontal HP, VP, and then this plane is like this. This plane is parallel to the VP and perpendicular to HP. Now, what about its front views and top views? In front view, you see the U shape. If it is a sphere, 30 mm, 40 mm, A dash, B dash, C dash, D dash. And in the top view, you will see a line parallel to the text line. These points will be A and B. These points will be D and C. And in this, let's say, हमारे पास true length होती थी, यहाँ पे हमारे पास it will be the true shape. True shape of the figure. जो भी आपका plane दिया हो उस प्लेन की जो ट्रू शेप है दैट विल बी विजिबल व्हेन इसमें फिर आपका सेम वही चीज आएगी व्हेन लाइन इज सॉरी व्हेन प्लेन इज पैरेलल टू वन ऑफ द प्लेन्स एक प्लेन के पैरेलल होगा तो दूसरे में आपके पास ट्रू शेप आपकी विजिबल रहेगी वो इफ प्लेन इज इंक्लाइंड टू बोथ एचपी एंड वीपी दोनों के इंक्लाइंड है तो दोनों के किसी के भी पैरेलल नहीं है देन वी विल नॉट सी द ट्रू शेप ऑफ द प्लेन तो थर्ड टाइप ऑफ प्लेन इज अ प्लेन परपेंडिकुलर टू बीपी एंड पैरेलल टू Let me take the example of such plane. Plane will be like this. Plane will be like this. This plane is parallel to the HP and perpendicular to VP. It is perpendicular to VP and parallel to HP. So front view may just so you will see the line which is parallel to the XY and in the top view you will see the true shape of the figure. For simplicity, just we are taking the scale plane in all the cases. यही आपकी द्वारा फिर projections line हम draw कर रहे हैं ये आपका टॉप फ्रंट व्यू हो गया ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ये आपके सारे कॉन्टिन्यूस एक लाइन आएंगी ए डैश बी डैश एंड सी डैश डी डैश दिस विल बी कॉन्टिन्यूस एक लाइन दिस विल बी कॉन्टिन्यूस एक लाइन So next we take the
ये वाले प्लेन्स हो गए, ये आपके बिल्कुल सिंपल वाले केसेस हो गए। व्हेन प्लेन इज परपेंडिकुलर टू आइदर बोथ ऑफ द प्लेन्स, परपेंडिकुलर टू वन एंड पैरेलल टू अदर, परपेंडिकुलर टू एचपी बीपी एंड पैरेलल टू द एचपी, सो दिस इन दिस केस देयर विल बी आल्सो द ट्रू शेप। Now come to the cases when planes are inclined. For example, we take the plane which is inclined to vertical plane and perpendicular to HP. We are taking the plane which is inclined to VP and perpendicular to HP. किसी भी प्लेन के लिए पैरेलल नहीं है आपका प्लेन। I will take the example. Plane is inclined to VP, perpendicular to HP. First of all, plane is perpendicular to HP कर दिया है हमने, ये वाला, like this. Simple position ले लिया हमने. जैसे ले लो आप, तो नेक्स्ट इट इज गिवन प्लेन इज इंक्लाइन टू वीपी, वीपी के लिए इंक्लाइन कर दिया हमने थोड़ा सा, इस टाइप से देयर इज सम एंगल नॉट पैरेलल टू द वीपी, वीपी के लिए पैरेलल नहीं है, वीपी से इंक्लाइन हो गया जी, बट दिस इज परपेंडिकुलर टू एचपी, प्लेन इज लाइक दिस। हाँ जी, व्हाट विल द ट्रू शेप और अबाउट द फ्रंट व्यूज एंड टॉप व्यूज of this plane? Are there any student? Please tell me. कैसी होगी इसमें front view, कैसा बनेगा? Front view and top view. Top view में क्या दिखेगा आपके पास? In top view there will be a line, A, B, C, and D. In front view, this will be A dash, B dash, C dash, and हाँ जी, ट्रू शेप ये होगी कि नहीं होगी? एनी स्टूडेंट, हाँ जी, इसमें ट्रू शेप होगी कि नहीं होगी बेटा जी? नो, बिल्कुल ये ट्रू शेप नहीं होगी बेटा इसमें। अब यही से चेक कर लेना बेटा, कोई भी लाइन आपकी इफ इट इज पैरेलल टू द एक्स वाई तो दूसरे व्यू पे आपके पास ट्रू शेप आएगी। ये जो कंसेप्ट था आपका जो अभी उन्होंने रोटेशन मेथड में किया था, इट विल बी यूज्ड इन ऑल द इंटीग्रल ड्राइंग। तो कोई भी हमारे को व्यू में हमारे को ट्रू शेप देखनी है, उसकी ट्रू हमारे को लेंथ देखनी है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे व्यू को हम रोटेट कर देंगे टू मेक इट पैरेलल टू द एक्स वाई, तो हमारे पास उस व्यू में हमारे पास ट्रू शेप आ जाएगी, ट्रू लेंथ आ जाएगी। तो दिस विल दिस कंसेप्ट विल बी यूज्ड यूनिवर्सली, सारे ये आपका हर जगह यूज करेंगे। यहाँ पे ये जो लाइन आपकी ए बी सी डी, दिस लाइन इज इंक्लाइन टू रेफरेंस लाइन, तो इसमें आपके पास ट्रू शेप नहीं आएगी, ठीक है? तो दिस इज द केस व्हेन प्लेन इज इंक्लाइन टू बीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। सो द नेक्स्ट केस इज व्हेन प्लेन इज इंक्लाइन टू, अरे एक इंपॉर्टेंट चीज और, इसमें जो आपका A plane which is inclined to VP, such type of planes are called AVP. AVP means auxiliary vertical plane.
ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन इसलिए बोल रहे हैं आपको बिकॉज द प्लेन इज वर्टिकल, ऑक्सिलरी जो बोल रहे हैं क्योंकि बिकॉज दिस इज इंक्लाइंड, नॉट नॉट पैरेलल टू द एचपी, तो दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द एचपी, दैट इज व्हाई दिस आर कॉल्ड द एवीपी, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन. नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लेन्स आर द प्लेन इंक्लाइंड टू एचपी एंड इंक्लाइंड टू एचपी एंड परपेंडिकुलर. Plane is like this. Plane is perpendicular to VP and inclined to HP. HP के लिए inclined है. इस केस में फ्रंट व्यू में आपके पास यू विल सी स्ट्रेट लाइन, सॉरी लाइन व्हिच इज इंक्लाइंड टू द रेफरेंस लाइन, और आपके पास टॉप व्यू में आपके पास सेम जैसे कि आपकी डिस्टॉर्टेड शेप थी, डिस्टॉर्टेड शेप नॉट एक्चुअल शेप आपको विजिबल मिलेगी. और सब टाइप ऑफ प्लेन आर कॉल्ड ए आई पी, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन. इसमें जो आपका व्यू बनेगा सिंपल से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ. इसमें ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, दिस इज द फ्रंट व्यू इंक्लाइंड, ए बी सी. ये भी आपकी जो है टू शेप नहीं होगी. तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं. ये आपके प्लेन्स हो गए, कौन किस टाइप के प्लेन्स थे ये. फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैं दोबारा फिर सारा एक बार रिपीट करवाता हूँ तो अपने आपको ध्यान में रहे. वी हैव टू टाइप ऑफ प्लेन्स, प्रिंसिपल प्लेन्स एंड सेकेंडरी प्लेन्स. प्रिंसिपल प्लेन्स हमारे जो जिसके ऊपर हम प्रोजेक्शंस ड्रॉ करते हैं दो आर कॉल्ड द प्रिंसिपल प्लेन्स, दीज आर इन एचपी एंड अदर देन दीस एचपी एंड बीपी. अदर देन द प्रिंसिपल प्लेन्स ऑल द प्लेन्स आर सेकेंडरी प्लेन्स. सेकेंडरी प्लेन्स में फिर देयर आर फर्दर टू टाइप्स, परपेंडिकुलर प्लेन्स एंड oblique planes. Perpendicular planes and oblique planes. Then about the perpendicular planes, perpendicular means these are perpendicular to one of the principal planes, either one or two, either perpendicular to one of the planes or perpendicular to both of the planes. Such type of planes are the perpendicular planes and oblique planes which are inclined to both HP and BP. या फिर बोथ प्लेन्स के ऊपर, बोथ एचपी और बीपी के ऊपर इंक्लाइंड होंगे. सच प्लेन्स आर लाइक दिस व्हिच इज इंक्लाइंड टू बोथ एचपी एंड बीपी. एचपी के भी इंक्लाइंड है, बीपी के भी इंक्लाइंड है, बीपी के परपेंडिकुलर नहीं है वो, बीपी के वो इंक्लाइंड है. ठीक है, सच टाइप ऑफ प्लेन्स आर ऑब्लिक प्लेन्स. इसलिए हम प्रोजेक्शन हम ड्रॉ कर सकते हैं, प्रोजेक्शन ड्रॉ करने में हमारे कोई दिक्कत नहीं है. जो भी हमारे को कंडीशन गिवन होगी वी विल टेक वन ऑफ द केसेस. इस टाइप का केस लेके मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल भी दूंगा इसकी, और ब्रीफ प्लेन की प्रोजेक्शन हमने क्या क्या ड्रॉ करते हैं. ठीक है, सो आपको इसको
हाँ जी, किसी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो बेटा रिगार्डिंग द लाइंस और स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स,